सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक सूर्य देव, एक ऐसा देवता जिसके रोज के आगमन को एक देवता का साक्षात दर्शन माना जाता है। धरती पर एक नई ऊर्जा का संचार माना जाता है, एक नई सुबह की शुरुआत माना जाता है। उन्हीं सूर्य देव की आस्था में हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर बना जिसके प्रतीकों ने हर किसी को हैरान कर दिया। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर 12 एकड़ में फैला सूर्यदेव का यह भव्य मंदिर, जिसे पूरी दुनिया कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से जानती है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, जिसे 1255 ईस्वी में गंग वंश के राजा नृसिंह देव द्वारा बनाया गया था। कलिंग शैली में बना इस मंदिर का पूरा स्वरूप सूर्यदेव के रथ के रूप में बनाया गया है। 12 एकड़ में फैला इस भव्य मंदिर के निर्माण में 12 वर्ष का समय और 1200 मजदूरों की मेहनत लगी है। इस मंदिर के 3 द्वार हैं, पहला सिंह द्वार, दूसरा हाथी द्वार, तीसरा अश्व द्वार। पूर्व दिशा से जैसे ही आप कोणार्क मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपका सबसे पहले सामना होता है शेरों की एक ऐसी जोड़ी से, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। ठीक इसके पीछे नृत्य मंडप है और उसके पीछे जगमोहन के दर्शन होते हैं। इस मंदिर का निर्माण बलुई पत्थर और ग्रेनाइट से किया गया है और उसमें दिल को छू लेने वाली नक्काशी की गई है। साथ ही मंदिर को ऐसी दिशा दी गई है कि सूर्य की पहली किरण नट मंडप से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचे। कहते हैं कि मंदिर की मुख्य कारीगरी उसके टॉप में छुपी थी, जिसे दधिनौती कहा जाता है। कहते हैं कि दधिनौती को तैयार करने में ही 1200 कारीगर हार गए। पूरा मंदिर तैयार हो गया और तधिनौती को तैयार करने में सिर्फ 12 घंटे का वक्त बचा था। तधिनौती पर 52 टन का चुंबक स्थापित करना था, जो नामुमकिन था। लेकिन माना जाता है कि जिस काम को मुख्य वास्तुकार पूरा नहीं कर सके, वो काम उनके 12 साल के बेटे ने कर दिखाया। दावा किया जाता है कि उस रात चुपचाप वास्तुकार के बेटे ने मंदिर के टॉप को तैयार किया और 1201 मजदूरों के आंकड़े को छुपाने के लिए वहां से कूदकर खुदकुशी कर ली। कहते हैं कि पूरे मंदिर की मजबूती उसी तधिनौती में छुपी थी, जिसका चुंबक लोहा लगी दीवारों को खींचता रहता है और उसी चुंबक के बल पर भगवान सूर्य की मूर्ति गर्भगृह में तैरती रहती। एक ऐसी कल्पना जो वास्तुशिल्प में शायद ही कहीं उतारी गई हो। जो मंदिर आज विश्व धरोहर में शुमार है, वो बदहाली के उस दौर में भी पहुंची जब 1568 में कलिंग मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया। उसके बाद पुरी के पंडितों ने प्रतिमा को पवित्र बनाए रखने के लिए वहां से हटा लिया और कोणार्क के मंदिर को बालू में दबा दिया गया। लुटेरों से बचने के लिए कोणार्क का बंदरगाह भी बंद कर दिया गया। इसके बाद कोणार्क वीरान हो गया। मंदिर भले ही बालू में दफन हो गया, समंदर के किनारे का सबसे बड़ा तीर्थ भले ही आंखों से ओझल हो गया, लेकिन जिस मंदिर को खत्म करने का इतिहास पुर्तगालियों से जुड़ा, उसे जीवित करने का इतिहास अंग्रेजों से जुड़ा। साल 1900 के आसपास कारोबार के लालच में लॉर्ड कर्जन बंदरगाहों की तलाश शुरू की और उसी के साथ कोणार्क बंदरगाह के साथ साथ 300 वर्ष से दफन मंदिर को एक नया जीवन मिला। अंग्रेजों ने बालू में दफन एक मंदिर को बाहर क्या निकाला, सदियों पुराना वो इतिहास भी जिंदा होने लगा, वो इतिहास जिसमें भगवान सूर्य का गर्भगृह दिखता है, गर्भगृह तक सूर्य की पहली किरण के पहुंचने का चमत्कार दिखता है, सूर्य के 7 रंगों की तरह 7 घोड़े दिखते हैं, वक्त के 24 घंटे की तरह 24 पहिए दिखते हैं, जिसपे बचपन जवानी और बुढ़ापे का दर्शन मिलता है और जिसे देखकर महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जुबान से निकला, यहाँ पत्थरों की भाषा इंसानों की भाषा से आगे निकल गई है। कोई नहीं जानता कि पत्थरों के 5 लेयर्स में बने इस मंदिर में जोड़ नजर क्यों नहीं आता। कोणार्क का यह सूर्य मंदिर ऐसे कई राज समेटे है जो वास्तुकला का एक नया अध्याय खोलता है।